रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्षा एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे घर का सारा काम करना बहुत ही अच्छे से आता था। उसे कुल्फी खाने का बहुत शौक था, इतना कि गर्मी हो या सर्दी वो हमेशा कुल्फी ही खाया करती थी। और कमाल की बात तो ये थी कि वो कभी भी ज्यादा कुल्फी खाने की वजह से बीमार ही नहीं पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन उसके घर में कुल्फी बनाने के लिए दूध खत्म हो जाता है और उसका कुल्फी खाने का बहुत मन करता है, तो वो घर से बाहर निकलकर कुछ दूर जाती है और उसके सामने विकी कुल्फी कॉर्नर की शॉप आ जाती है। तभी वो वहाँ जाकर बोलती है, एक्सक्यूज मी, आपके पास कुल्फी के कौन कौन से फ्लेवर है? जी मेरे पास वनेला, पिस्ता, केसर, बादाम, घेवर, गुलाब, मटकी और चॉकलेट वाली कुल्फी है। वाओ, आपके पास तो बहुत सारे फ्लेवर हैं और इनमें से कुछ तो मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किए। सच, आपने ये सारे फ्लेवर नहीं खाए? कोई बात नहीं, जो आपने अभी तक नहीं खाया वो आज खा लीजिए। बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आज मैं अपनी फेवरेट वाली ही खाऊं बस। इट्स ओके, आप अपनी फेवरेट ही खा लीजिए। बताइए कौन सी चाहिए आपको? मुझे वो वाली चाहिए, बटरस्कॉच, मुझे बहुत पसंद है। विकी उसे उसकी फेवरेट कुल्फी निकाल कर देता है और उसे प्यार से यूं खाता हुआ देखकर उसके मन में वर्षा के लिए कुछ फीलिंग्स जाग जाती है, जिसे वो फिलहाल के लिए नजरअंदाज कर देता है। कुल्फी खाने के बाद वर्षा को बहुत ही अच्छा फील होता है, तो वो बोलती है, वाओ, ऑसम टेस्ट है इसका, जिसने भी बनाई है ना, बहुत ही बेहतरीन बनाई है। ये सारी कुल्फियां मैं ही बनाता हूँ, आप पक्का सच कह रही है ना, आपको पसंद आई? अरे मुझे तो बेहद पसंद आई है। थैंक यू, आज पहली बार किसी ने दिल से तारीफ की है और आपने खाया ही इतने चाव से है। एक मिनट, ये लीजिए मेरी तरफ से मटके वाली कुल्फी आपके लिए, खाकर तो देखिए और मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी मना, और आप है ना 4 बटरस्कॉच और पैक कर दीजिए। इतना सुनकर विकी खुशी से कुल्फियां पैक कर देता है और घर आकर वर्षा अपने मम्मी पापा को भी वही कुल्फी खिलाती है, जिसे खाने के बाद उसके दोनों पेरेंट्स उसकी बहुत तारीफें करते हैं। और अगले दिन भी एक बार दोबारा उसके पेरेंट्स कुल्फियां मंगाने लगते हैं और वर्षा फिर से विकी की शॉप पर जाती है और आज पिस्ता फ्लेवर खाती है, जिसे खाने के बाद वो कल से भी ज्यादा अच्छा फील करती है। तभी बोलती है, अरे यार, तुम्हारे हाथों की सारी कुल्फियां इतनी टेस्टी है ना कि जितने भी खा लूं पेट और मन भरने का नाम ही नहीं लेते। थैंक्स मेरी इतनी तारीफ करने के लिए, मुझे पता चल गया आप कुल्फियों की कितनी दीवानी है। वक्त बीतता जाता है और अब वो हर रोज विकी की शॉप पर जाया करती और उससे हमेशा बात भी किया करती, जिसकी वजह से उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार भी जाग जाता है। दोनों ही एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और अपने अपने परिवार में अपने रिश्ते की बात बताकर उनसे शादी की परमिशन भी ले लेते हैं। घर वाले राजी होकर दोनों की शादी की डेट फिक्स करते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ में अपनी सारी दूरियां मिटा देते हैं। वक्त बीतता जाता है, वर्षा अपने पति के हाथ की सारी कुल्फियां खाया करती और इसके साथ रहते रहते अपने पति की जैसे ही कुल्फियां बनाना भी सीख लेती है। ऐसे ही एक दिन उसका पति आकर बोलता है, वर्षा तुम्हें पता है मेरी कुल्फियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब मुझे लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है कुल्फी के बिजनेस का, उसके बाद मेरी छोटी सी शॉप एक ब्रांड बन जाएगी। अरे आप है ही इतने मेहनती और अच्छे, और आपके हाथों में तो जादू है जादू, देखना एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। तुम साथ हो तो सब होगा। वक्त बीतता जाता है,
ऐसे ही शाम के समय विक्की घर वापस आ रहा होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है। इस खबर को सुनकर सुधा और वर्षा बिल्कुल टूट जाती हैं। विक्की के जाने के बाद धीरे धीरे उनके घर खर्च के भी पैसे खत्म हो जाते हैं। वर्षा अपनी सास को घर खर्च चलाने के लिए खुद कुल्फी बनाकर बेचने का एक सुझाव देती है। उसकी सास भी उसका ये सुझाव मान लेती है, जिसके बाद वो अपने पति की शॉप में 2 दिन काम करती है और शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी पूरी की पूरी कुल्फी की शॉप जलकर राख हो जाती है। इस बात से वर्षा और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन फिर से अपने पति का सपना पूरा करने की बात उसे याद आती है और वो अपने सारे गहने बेचकर एक छोटी सी कुल्फी बेचने की गाड़ी खरीद लाती है, जिसके बाद वो खुद गली गली जाकर अपने पति की ही तरह कुल्फियां बेचना शुरू कर देती है और सभी लोग उसके हाथों की बनी हुई कुल्फियों का चस्का लेते हैं और वो इसी तरह गली गली कुल्फियां बेचती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, अरे 4 कुल्फी पर 1 कुल्फी फ्री है, आओ आओ जल्दी आओ कुल्फी ले लो कुल्फी। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है, अरे आप तो वही है ना जो यहाँ रोज रोज आती है। हाँ, आपकी कुल्फियाँ मुझे बहुत टेस्टी लगती है, आप ना आज मुझे 15 फ्लेवर की अलग अलग कुल्फियाँ दे दीजिए। इतनी सारी? अभी देती हूँ आपको। इतने में ही वो सारी कुल्फियाँ पैक करके उसे दे देती है कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है और वो कुल्फी खरीदने वाली लड़की जो कि एक डॉक्टर होती है उसे बेहोश देखकर अपने साथ अपने घर ले आती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वर्षा पूछती है, मैं कहाँ हूँ? अरे आप तो वही हो ना, आपको मैंने कुल्फियाँ दे दी थी, पर आप यहाँ क्यों और मैं यहाँ कैसे? अरे आपने तो उठते ही बोलना शुरू कर दिया। खैर मैं तो आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। जी कौन सी खुशखबरी? अरे आप माँ बनने वाली हैं, यू आर प्रेग्नेंट। सच? पक्का आप सच बोल रही है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी सुनकर वो सीधे अपनी सास के पास जाकर उन्हें बताती है, जो इस बात को सुनते ही बहुत खुश होती है। वक्त बीतता जाता है, अब उसकी सास उसका बहुत ख्याल रखती है, साथ ही वो यूं ही कुल्फियां भी बेचती रहती है। धीरे धीरे वर्षा की कुल्फियां बहुत मशहूर हो जाती है और कुछ ही महीनों में वो बहुत ही बड़ा विक्की कुल्फी पॉइंट के नाम से एक कुल्फी पार्लर खोल लेती है, जो पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाती है और पूरे 20 साल के बाद उसका बेटा इस विक्की कुल्फी पॉइंट को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कुल्फी बेचने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे कुल्फी खाने और बेचने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।